सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनतेरस की। धनतेरस आज से ही दीपावली का पंचदिवसीय उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रही है। शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी कुबेर जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धन्वंतरी भगवान साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। हम सभी जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी ही अमृत का कलश लेकर आए थे। मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन से विष्णु अवतारी धन्वंतरी भगवान का कोई पूजन करता है, कुबेर की पूजा करता है, तो उसका जीवन धन के लोभ में या धन के कमी में नहीं व्यतीत होता, स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लोग इस कामना के साथ नया सामान घर में लाते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि कुछ बर्तन लाने चाहिए और कुछ बर्तन नहीं लाने चाहिए। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम क्या बर्तन खरीदें और क्या नहीं खरीदें। भगवान, अब आइए इसमें आगे चर्चा कर लेते हैं। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने चांदी तांबे आदि का सामान बर्तन खरीद सकते हैं। इस दिन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान दोनों की कृपा सहज में उसे प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इस दिन झाड़ू भी खरीदनी शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में झाड़ू, हम लोग कहते हैं कि जो बुहारू है, बुहारू को भी हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं। माँ लक्ष्मी उसमें वास करती है। कई चीज़ें हम बताते भी हैं कि बुहारू कभी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहाँ सबकी दृष्टि पड़े। तो हमको इसको चाहिए कि हम इसको बुहारू को साइड में छुपा के रखें, किसी की नज़र, कहते बुहारू किसी को देनी भी नहीं चाहिए, तो संभाल के बुहारू को रखना चाहिए। ये वैसा मानना मानते हैं सब। इस दिन नई झाड़ू भी लानी चाहिए, और कहते हैं जो लोग इस दिन नई झाड़ू लाते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना कभी भी शुभ नहीं माना गया है। धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्युमिनियम की जो चीजें होती हैं वो भी खरीदने से बचना हमको चाहिए। धनतेरस वाले दिन मैं आपको एक मंत्र और बताता हूँ। अगर आप इस मंत्र को ज़्यादातर जाप करते रहें तो कुबेर की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। तो धनतेरस के दिन पूजा के दौरान आपको जो मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें, इससे कुबेर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए, तो कुबेर की पूजा हमको अवश्य करनी चाहिए। आइए अब हम कुछ चीज़ें और बताते हैं जिससे कुबेर जो धनतेरस का त्यौहार है आपके लिए मंगलमय होगा, शुभ होगा। मैं आपको मुहूर्त भी बताऊंगा, लेकिन इसमें मुहूर्त थोड़ी देर में, पहले कुछ चीज़ें आप बता लें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यम नाम से भी विशेष रूप से दीपदान हमको अवश्य करना चाहिए। भगवान यमराज के नाम से भी हमको दीपदान अवश्य करना चाहिए। परंपरा है कि आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस वाले दिन महिलाएं यम के लिए घर के दरवाजे पर आटे का चौमुहा दीपक, चार बत्तियां उस दीपक में, आटे का दीपक अगर हम लोग बनाएं तो ज्यादा शुभ है। अगर आटे का दीपक ना भी मिले तो हम बाजार से मिट्टी का जो दीपक होता बुला सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास करना चाहिए कि हम आटे का दीपक बनाएं और चार बत्ती उसमें लगाएं, और पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मृत्युनाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्याममया सह त्रयोदश्याम दीपदान सूर्यज्य प्रियतम प्रियताम मम। इस मंत्र का जाप करते हुए यम की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य माना गया है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण घर में लाने चाहिए,
एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर मंदिर में उसको विराजमान करना चाहिए। इससे ऐसा लगेगा जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर में पधार रही है। धनतेरस के पूजा का जो समय है वो ध्यान से सुन लें। आप लोग सभी पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, तो हमें शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। तो मुहूर्त रहेगा उस दिन 10 तारीख को शाम को 5:47 से 7:43 तक ये समय रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करें त्रयोदशी की, धनतेरस की, माँ लक्ष्मी की, कुबेर की, यम के नाम का दीपक जलाएं। इससे वैसे भी कार्तिक मास में दीपदान का तो बहुत महत्व है, पर इस धनतेरस पर यमराज के नाम का भी हमको दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं, यमराज भी प्रसन्न होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक इसलिए पहुँचा दें क्योंकि आज से दीपावली उत्सव प्रारंभ हो चुका है। राधे राधे।